नगर के शांति मिल मैदान में आज कांग्रेस के प्रत्याशी आरती वाजपेयी के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी के जरिए लोगों को खूब मनोरंजन किया। उन्होंने पढ़ा कि प्यार की इच्छाओं तक चले आए, आपके गांव तक चले आए, आपके प्यार से पुकारा था हम भी उन्नाव तक चले आए। उन्होंने बाद में अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। क्या मतदाताओं से आपने अपील की? मैंने लोगों से अपील करी कि उत्तर प्रदेश जो सिर्फ बदहाल है, यहाँ बेरोजगारी है और लगातार हमारी जो राज्य सरकार है वो विफल रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह से विफल है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस उपचुनाव में हम लोगों से अपील करी कि आप कांग्रेस को जिताइए, आप कांग्रेस को जिताएंगे तो सरकार जो बिल्कुल निरंकुश हो गई उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और 2022 के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बिहार चुनाव में आप रैलियाँ कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ किसकी सरकार आएगी? बिहार चुनाव तो बिल्कुल एकदम आप के पास विजुअल्स हैं, सारे मीडिया के साथियों के पास। बिहार चुनाव NDA की सत्ता को उखाड़ फेंकने जा रहा है, तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट की महागठबंधन की सरकार बनने जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। दस योगी जी ने कल किया है कि बहुत जल्दी वो लग जात को लेकर कानून लाएंगे, तो उसको किस तरीके से देखा? वो तरह तरह के कानून ला रहे हैं, लाना चाहिए उन्हें, ले आए जिस तरह का भी कानून, उनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो इस अपने मुख्यमंत्री काल में पूरी कर लें, अच्छी बात है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाई कोर्ट जब इस पे फैसला दे रहा है तो हाई कोर्ट के बयान पे तो हमें ज़्यादा सीरियस ढंग से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो चुनावी सभा में जाके कुछ भी चुनावी बातें करते रहते हैं। इमरान जी, आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल टंडन ने पार्टी छोड़ी है, क्या कहेंगे? बस सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी थोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हों तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आखिरी सवाल ये कि आज आपकी रैली में भीड़ टच क्यों नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की जम के धज्जियाँ होनी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मैं खुद करता हूँ, लेकिन चुनाव आयोग करवा रहा है, तब करवा रहा है जब बिहार का पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के पास गया था और उसने निवेदन किया था कि आप कोरोना काल में चुनाव आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने, चुनाव आयोग ने चुनाव आगे नहीं बढ़ाया। सबसे पहले बिहार में रैलियों की शुरुआत JP नड्डा जी ने की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके बाद लगातार रैलियां हो रही हैं। चुनावी जनसभाओं में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करा पाएंगे? क्या ये व्यवहारिक है? ना प्रशासन कहीं नज़र आता है, ना प्रशासन कोई मदद करता है। तो चुनावी रैलियों में आप कोई भी पार्टी जो रैली कर रही है वो किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिना प्रशासन की मदद के नहीं करवा सकती। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, पहली बात तो चुनाव आपने कराया है तो आपको उन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था, नहीं करवा सके तो अब ये सवाल ही मुझे लगता है कि पूरे देश में बेईमानी बना दिया गया है। एक अंतिम सवाल, 3 तारीख को मतदान है, प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, मतदाताओं से 3 तारीख को लेकर क्या अपील करेंगे? अब प्रचार का आज आखिरी दिन है, मेरे ख्याल है चंद मिनट बचे हैं प्रचार बंद होने में। बांगरमऊ के मतदाताओं से खास तौर से मेरी अपील है कि आरती वाजपेयी जी एक बहुत बड़े परिवार से हैं, एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत है, तो उन पर भरोसा करिए। प्रियंका जी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ प्रत्याशी बनाया, तो आप जिताइए उन्हें। और प्रियंका जी ने जो काम किया है पिछले साल भर में, 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में, किसानों के मुद्दे पर, दलित भाइयों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, जिस तरह से वो फ्रंट पे आकर के खड़ी रही और पूरा विपक्ष एसी कमरे में बैठा हुआ है, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे लड़ रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि जनता को एक बार प्रियंका जी के साथ खड़े होकर के प्रदेश की राजनीति में बदलाव का एक नया आगाज करना चाहिए और 10 तारीख को बांगरमऊ का भी रिजल्ट बिहार जैसा ही होगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन